मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संत आसाराम जी आश्रम के आसपास गांव में अवतरण दिवस पर किया गया भोजन का वितरण। आपको बताते चलें कि परम पूज्य आसाराम बापू के 84वें अवतरण दिवस की मधुर वेला पर आसाराम बापू के ग्राम आश्रम में रिठौरा बरेली में 9 बजे संकल्प दिवस के साथ हवन का आयोजन किया गया और भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए संकल्प किया गया। बताते चलें कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराए, पूरा विश्व भारत से मार्गदर्शन प्राप्त करे, पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है उसका समापन हो, कोरोना रूपी राक्षस को अंत हो। अवतरण दिवस के निमित्त 14 अप्रैल को दिन मंगलवार को आश्रम के आसपास गांव में 250 पैकेट भोजन के बांटे गए, जिसमें 11 कचौड़ी सब्जी, फल, 100 ग्राम मिठाई एवं उत्तम संस्कार वाला सत साहित्य सामान वितरण किया गया, जिसमें आटा, चावल, तेल, नमक, कुछ रोजी खान पान से संबंधित सामान निःशुल्क वितरण किया गया। यह सब सेवा पूज्य बापूजी के शिष्यों द्वारा उत्पन्न हुई। पूज्य बापूजी कहते हैं कि संतों का जन्म दिवस किया मनाना मनवाना है तो इसी बहाने समाज के कुछ सेवाकार करो, खूब मनाओ, इनकार नहीं। बापूजी के इन्हें वचनों को आत्मशांत करते हुए बापूजी करोड़ों शिष्य में देश विदेश में इसी तरीके से समाज में सेवाकार करते हैं। और इस मौके पे आश्रम संचालक भानु ने बताया कि हम लोग आश्रम में दिन प्रतिदिन सेवा करते हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से भोजन वितरण इसी श्रृंखला में चालू है, कोई भूखा ना सोए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। इसी लक्ष्य को लेके हम गांव-गांव जाके और भोजन का वितरण करते हैं।